हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिटनेस सीक्रेट के बारे में। देखिए, इसमें हम लोग तीन पॉइंट को कवर करेंगे। पहला आएगा आपका डाइट, दूसरा आएगा आपका वर्कआउट, और तीसरा हम लोग लेंगे जो एटीट्यूड है। तो चलिए हम लोग पहले वर्कआउट को ही ले लेते हैं। देखिए, वर्कआउट में क्या करना है आपको कि कंसिस्टेंसी रखना है वर्कआउट ऑन द रेगुलर बेसिस और डेली बेसिस पर। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करिएगा तो आपके लिए वो ग्रोथ ज्यादा देगा। अगर आप जो है डिसकंटिन्यू हो गया, अगर आप ज्यादा भी एफर्ट डालते हैं तो उतना आपको जो है रिजल्ट नहीं दिखेगा। जो आपको जो है सो रिजल्ट दिखेगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हैं, इन द सेंस कि अगर सिर्फ आप पुशअप करते हैं 2 या 3 सेट तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं, अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो आपको उतना रिजल्ट नहीं देगा। तो मेक श्योर करें कि आप कंसिस्टेंसी रखें। दूसरा आ जाते हैं हम लोग डाइट पर। डाइट के लिए सिंपल सा आपको जो है सो प्रोटीन रिच डाइट रखना है। अगर आप जो है सो मसल गेन करने की सोच रहे हैं या फिर अपना जो है सो एस्थेटिक लुक या इस टाइप का अगर आप ग्रोथ चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रोटीन रिच डाइट रखना है और इसको मेंटेन करके रखना है। और जो तीसरा चीज़ आ जाते हैं हम लोग जो है सो डाइट के बाद आ जाते हैं आपको ये आपको एटीट्यूड में। देखिए, आपको जब भी वर्कआउट करना है आपको ये एक मतलब माइंड से रखना पड़ेगा कि आपको 2 घंटा मतलब जो है सो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट। देखिए, टाइम का कोई मतलब जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है मसल्स के ग्रोथ में। आपका जो मसल्स का जो ग्रोथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपका वर्कआउट का जो टाइमिंग है ना उससे नहीं है। आपको एक सिंपल सा ये एक ये आपके अंदर ये गलत फहमी होगा, अगर हम ज़्यादा देर वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा मसल ग्रोथ होगा। देखिए, मसल आपका जब भी ग्रोथ होता है उसके लिए कंसिस्टेंसी रहता है। जब भी कंसिस्टेंसी रहेगा तो क्या होगा कि मसल्स जो है ना आपका वो पंप करते हैं, आपका आपको ग्रोथ मिलेगा। तो आप मेक श्योर करिए कि कंसिस्टेंट रहें, कोशिश करिए कंसिस्टेंट जितना हो सके। अगर आप इस हिसाब से अप्रोच रखिएगा तो आपका मसल्स ग्रो करेगा। तो यही जो है सो अप्रोच है मैं अपने फिटनेस में फॉलो करूँ।